नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूँ आपके साथ शीना शर्मा। सबसे पहले चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा की कमेटी का गठन कर दिया गया है। शासन ने हाई लेवल कमेटी गठित की है। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है और गृह सचिव, पर्यटन सचिव, एडीजी कानून व्यवस्था के साथ कमिश्नर गढ़वाल और आईजी कमेटी के सदस्य होंगे। और ये कमेटी जो यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेगी, निगरानी इसकी करेगी, इस कमेटी का गठन किया गया है। सुनील और प्रभात इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। संवाददाता देहरादून हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी करने के लिए कमेटी बना दी गई है, कौन कौन इस कमेटी में शामिल है, क्या जानकारी? देखिए सीनम, चारधाम यात्रा में जिस बड़े पैमाने पर श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहे हैं को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों एक हाई लेवल कमेटी के गठन के निर्देश दिए थे कि जो चारधाम यात्रा की पूरी व्यवस्था मैनेज करे। इसी के मद्देनजर मुख्य सचिव के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पर्यटन सचिव, गृह सचिव से लेकर पुलिस के कई ऑफिसर्स इसमें शामिल किए गए हैं, जो इस पूरी यात्रा व्यवस्थाओं को प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेंगे पूरी यात्रा व्यवस्था की, और साथ साथ आदेश भी दे सकेंगे संबंधित जिलाधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को जो चारधाम यात्रा व्यवस्था में लगे हुए हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि चाहे वो चारधाम यात्रा व्यवस्था हो या फिर प्रदेश में होने वाली अन्य धार्मिक यात्राएं, उन यात्राओं को एक मैनेज तरीके से चलाया जा सके, एक व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी सिर्फ चारधाम यात्रा को ही नहीं देखेगी बल्कि भविष्य में क्या ऐसी एक ठोस व्यवस्था बनाई जाए कि यात्राएं इस तरह की संचालित होती हैं, वो मैनेज तरीके से चल सके, उसके लिए भी सरकार को अपना सुझाव देगी। जी ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चरम पर है। चारों धामों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है और सबसे ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। केदारनाथ 15 दिन के अंदर 4.5 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं और 30,000 यात्री हर दिन बाबा के धाम पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में यात्रियों का झूम उमड़ रहा है। धाम में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग बद्री विष्णु के दर्शन कर चुके हैं और यमुनोत्री में 1,97,000 और गंगोत्री में 1,89,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए हैं। चारों धामों में भक्तों की भारी भीड़ से यात्रा से जुड़े कारोबारी भी काफी खुश दिखाई दी। सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार को खोल दिए गए। शनिवार को यात्रियों का जत्था घंघरिया से हेमकुंड के लिए रवाना हुआ। जत्थे में 2,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। गौरतलब है कि हेमकुंड साहिब की यात्रा 22 मई को ऋषिकेश से आरंभ हो गई थी। हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने के बाद सचखंड से गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब में विराजमान किया गया। इस दौरान भारतीय सेना के पंजाब बैंड की धुन पर पूरा हेमकुंड साहिब गुंजायमान हो गया। दरबार साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब के विराजमान होने के बाद सुखमणि साहब का पाठ, शब्द कीर्तन किया गया, फिर अरदास के साथ हुक्मनामा पढ़ा गया। गुरु की अपार बख्शिश हुई है कि आज 25 मई को श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। सही 9:30 बजे साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को 5 प्यारों की अगुवाई में सचखंड दरबार साहब में स्वागत किया गया है। आर्मी द्वारा जो कि हमारा रास्ता साफ करने का उनका ही सेवा होती है, उनकी कवरेज में गुरु ग्रंथ साहब जी को दरबार हाल में स्वागत किया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। चमोली में जगह जगह पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। पांडुकेश्वर में बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्रियों को रास्ते में ही रोका जा रहा है ताकि धामों में कोई भी किसी तरह की कोई व्यवस्था ना बिगड़े। बद्रीनाथ हाईवे की बात करें तो यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यात्रा चरम पर है और इस समय न्यूज 18 जीरो ग्राउंड पर स्थितियों को देख रहा है। आप देखिए, मैं पांडुकेश्वर में मौजूद हूं और किस तरीके से यहां पे यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए जो गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है उनको इस समय बद्रीनाथ धाम की तरफ भेजा जा रहा है
और जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन काउंटर आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे एक काउंटर बनाया गया है और यहाँ पे यात्रियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। दर्शन हर यात्री को कराना बीकेटीसी ने सुनिश्चित किया है, तो उसी को देखते हुए पूरी चीजें व्यवस्थित की जा रही है। आप देखिए नेशनल हाईवे पर किस तरीके आपको लंबी लंबी लाइनें भी दिखाई दे रही हैं गाड़ी की, और अब जब हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल चुके हैं तो ऐसे में जो भीड़ है वो अब नेशनल हाईवे पर ज्यादा दिखाई दे रही है। पुलिस की जो चेकिंग अभियान है वाहनों का, यहाँ पे बिल्कुल चेकिंग किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन लेकर वाहन के पूरे कागजात खंगाले जा रहे हैं, यात्रा के दौरान कोई बड़े हादसे भी ना हो इसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। नितिन सेमवार, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, पांडुकेसर। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए सीएम धामी का प्रचार अभियान लगातार जारी है और आज भी सीएम धामी पंजाब में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। मुख्यमंत्री पटियाला, जीरकपुर, राजपुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। सरकार किसकी बनेगी और देवभूमि के 5 सांसद कौन होंगे, ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट का कहना है कि अब तक हुई वोटिंग में मोदी सरकार बन चुकी है, बहुमत मिल चुका है, तो कांग्रेस का कहना है कि अभी 4 जून का इंतजार करें। चार जून के चुनाव नतीजों का देश को इंतजार है। 5 सीटों वाले उत्तराखंड में भी 2 बार से बीजेपी के 5-5 सांसद दिल्ली पहुंचे हैं। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा, ये 4 जून को पता लगेगा। नतीजे में सिर्फ 10 दिन बचे हैं तो नेताओं के दावे भी शुरू हो चुके हैं। सांसद उम्मीदवार और मोदी सरकार में मंत्री रहे अजय भट्ट का कहना है कि अब तक हुई वोटिंग सरकार बन चुकी है, बहुमत मिल चुका है, अब सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ानी है। अजय भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि विपक्ष के भी कई नेता चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बने और उत्तराखंड तो अपना इतिहास दोहराएगा ही। लोगों की जो प्रिडिक्शन है, लोगों की भावनाएं आ रही हैं और जो लोग कह रहे हैं उससे साफ जाहिर हो गया है कि सरकार तो बन गई है, पूरी तरह से बहुमत से आ गई है। अब आगे और अधिक सीटें मिले इसके लिए सारे लोग प्रयत्नरत हैं और जनता खुद प्रयत्नरत है, और तो और विपक्ष के अच्छे लोग इस समय चाहते हैं कि मोदी जी ही आने चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने देश के हित में बहुत सारे काम किए हैं। उत्तराखंड से अजय भट्ट के अलावा बाकी बीजेपी नेताओं का भी यही दावा है, पर कम वोटिंग और चुनावी माहौल में कांग्रेस का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि अजय भट्ट 4 जून का इंतजार करें और सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। तो गणेश गोदियाल ने कहा कि कौन विपक्ष का नेता चाहता है कि मोदी प्रधानमंत्री बने, उनका नाम बताएं। इंतजार कीजिए 4 जून का, लेकिन लगता नहीं है जो रुख दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं के जनसभाओं में हजूम आ रहा है, उससे लगता कि सत्ता परिवर्तन होगा। अगर उनके पास इस प्रकार प्रमाण है कि किसी विपक्ष के नेता ने, बड़े नेता ने इस बात को, तो उसको उजागर करें। बहरहाल ये किसको प्रधानमंत्री बनाना है ये अधिकार देश की जनता के हाथों में निहित है और देश की जनता फिलहाल इसी प्रोसेस से, चुनाव के प्रोसेस से गुजर रही है। उत्तराखंड में चुनाव पहले चरण में हो चुका था और वोटिंग के बाद सियासी माहौल सुस्त पड़ा था, जबकि सिर्फ और सियासत गर्माने लगी है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मोदी के खेड़ा घाटी के 5 गांव के लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। लिवाड़ी, फिताड़ी, रिक्चा, राला और कासला के ग्रामीण हर रोज सुपिन नदी को जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से उफनती नदी के बीच गाड़ी पर बैठकर ग्रामीण नदी पार कर रहे हैं। ग्रामीण लंबे वक्त पुल की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक निर्माणाधीन पुल बन नहीं पाया है और बरसात के सीजन में
नदी उफान पर होती है, जिसकी वजह से ग्रामीणों के सामने खाद्यान्न का संकट भी गहरा जाता है और ग्रामीणों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। देहरादून में बिल्डर एसएस साहनी के सुसाइड मामले को लेकर कोर्ट ने आरोपी गुप्ता बंधुओं को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने शनिवार को अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को कोर्ट में पेश किया था। आपको बता दें कि बिल्डर ने अपने सुसाइड नोट में दोनों गुप्ता बंधुओं का नाम लिखा था, जिसके बाद ही दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को देहरादून के नामी बिल्डर सत्येंद्र साहनी ने 8 मंजिला इमारत से कूद कर जान दी थी। पुलिस को से साहनी का एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें नामी बिजनेसमैन गुप्ता बंधु अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता का नाम सामने आया। इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि मामला एक प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है, जिसमें सत्येंद्र साहनी के साथ दोनों गुप्ता बंधु की पार्टनरशिप थी और प्रोजेक्ट में काम रुका होने के चलते गुप्ता बंधुओं ने मृतक साहनी से पैसे वापस मांगे, जो करीब 19 करोड़ रुपए थे। देखिए, पुलिस ने रिमांड के लिए पेश किया था इनको, तो कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है मुलजिम को, और बेल एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में हमने फाइल करी आज, उसका भी रिजल्ट अवेटेड है। देखिए, श्री साहनी जी के जो सुसाइड का मैटर था, इसमें मुकदमा धारा 306 IPC में दर्ज हो गया था, और साक्ष्यों के आधार पर जो सुसाइड नोट मिला था और जो बिजनेस डील के पार्टनर्स हैं, जो परिजन हैं, सभी के बयानों के आधार पर साक्ष्य आए थे, उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई थी। पहले पेश किया गया जहां पर NGT के आदेशों पर देहरादून की रिस्पना नदी के किनारे बसे करीब 525 घरों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सोमवार से शुरू होने जा रही इस प्रक्रिया के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस के बीच एक मीटिंग हुई। दरअसल देहरादून की 27 बस्तियों में साल 2016 के बाद निर्माण हुए इंजिश पर चिन्हित किया गया है, जो सोमवार से हटाने की प्रक्रिया निगम शुरू करने जा रहा है। इस कार्रवाई के लिए SSP अजय और निगम के साथ प्रशासन अधिकारियों की। लगातार नगर निगम द्वारा चिन्हित करके उनको किया जाता है, नोटिस दिए गए हैं, उसकी अवधि सबकी उसका ध्वस्तीकरण एक माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में किया जाना। तो ऐसे जो चिन्हित हुए घर चिन्हित हुए हैं या ऐसी कोई बाउंड्री कुछ लोगों ने बना रखी है अवैध रूप से, उसको तोड़े जाना, तो उसके लिए संयुक्त रूप से नगर आयुक्त और जो प्रशासनिक रूप से जो सभी और पुलिस के अधिकारियों की गई है, क्योंकि आदेशों का पालन भी होना है, तो उस पालन को कराए जाने के लिए उसको किया जाए आगे, इसलिए बैठक का आयोजन किया गया। तो सोमवार से इस पर ताल भ्रमण बढ़ता जा रहा है। गदेरे के किनारे अब तक 270 से ज्यादा अवैध निर्माण चिन्हित किए जा चुके हैं, जबकि साल दर साल अतिक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। बरसात की चौड़ाई कम होने से बरसात में कोटद्वार में जैसे हालात बन जाते हैं, ऐसे में स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण को हटाने की मांग भी तेजी से बढ़ती जा रही है। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजे हैं और बरसात के सीजन से पहले अतिक्रमण हटाने की बात कही है। गदेरा ही नहीं, बाकी इसके साथ साथ और भी जितने भी नदी नाले हैं, उसके संबंध में भी जो है नगर निगम को अभी आज भी मेरे द्वारा जो बैठक ली गई है, उसमें सबको उनको बताया गया है उनकी सबकी उससे पूर्व जो है सफाई होनी है। हरिद्वार में लगातार हो रही बिजली कटौती के चलते पानी की किल्लत बनी हुई है। बिजली पानी की किल्लत को लेकर शनिवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान ऑफिस में पहुंचकर खूब हंगामा किया। कांग्रेसियों ने ढोल और बाल्टी बजाकर इंजीनियर के दफ्तर में नारे करते हुए ज्ञापन दिया। विरोध प्रदर्शन कर रही कांग्रेस का कहना है कि हरिद्वार के होटल धर्मशालाओं में पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे और होटल कारोबारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं जल संस्थान के अधिकारी लंबे पावर कट को वाटर सप्लाई में कमी की का कारण बता रहे हैं। अल्मोड़ा के मालरोड में लंबे संघर्ष के बाद शनिवार से आखिरकार डामरीकरण शुरू हो गया है। विधायक मनोज तिवारी ने सीवर डालने के दौरान टूटी रॉड में डामरीकरण शुरू नहीं होने से अनिश्चितकालीन धरने में बैठने का ऐलान किया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग ने डामरीकरण
के अपने मूल काम से हाथ खींच लिए थे, जिसके बाद जल निगम ने डंपिंगकरण का काम शुरू किया। ये था कि ये छोटा पैच है रोड का, तो इसमें जो है ठेकेदार कोई जो है आजकल सारे जो है एनएच के पीडब्ल्यूडी के पीएसए के कार्य में व्यस्त है, तो हमें जो है मशीनरी मिल नहीं पा रही थी, तो अब जो है सबके सहयोग से ये जो है आज कार्य शुरू हो गया। बस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये आने वाले 3 दिन में पूरा हो जाएगा, बस मौसम थोड़ा सा सहयोग और कर दे,